इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां आप पर आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर याचिका जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है बता दें कि दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष ने ये याचिका दायर की थी जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर यह याचिका दायर किया गया था और कहा गया था बढ़ते अगली खबर की ओर महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है एक मार्च यानी आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पच्चीस रुपए की बढ़ोतरी हुई है आप बता दें कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सिलेंडर की कीमत अब आठ पहुंच चुकी है इससे पहले 25 फरवरी की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत पच्चीस रुपए का इजाफा हुआ था उसमें और कोलकाता में सब्सिडी और कमर्शियल दोनों की गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में पच्चीस रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमत आठ हो गई है जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उन्नीस का इजाफा हुआ है लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार अभी तक इस पर कुछ भी कहने से पीछे हट रही है जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दाम के बाद अब ईंधनों के भी दाम बढ़ रहे हैं घरेलू गैस के जो ईंधन हैं उनमें भी दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं